आज आपके संग एक सैलड की रेसिपी शेयर करती हूँ जो गर्मियों में आपको बिल्कुल तरोताज़ा रखे। इस रेसिपी की मेन डिश खीरा है, नारियल है, जो कि वैसे अपने आप में ही ठंडा है और इसे गर्मियों में खाने से बहुत आराम मिलता है। आप इसे कुकुम्बर सैलड भी कह सकते हैं। झटपट से इसको बना लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने खीरा, जो कि हमारे शरीर को बहुत ठंडक देता है, उसका इस्तेमाल किया है। एक खीरा ले लिया है, एक टुकड़ा ये नारियल ले लिया है, कच्चा नारियल है, पुदीना है, एक टमाटर है, हरी मिर्च ले ली है, हरा धनिया ले लिया है। ये सब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने उबले हुए चने लिए हैं, आप इसकी जगह मूंग के स्प्राउट्स भी कर सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खीरे को छील लेंगे, खीरे का एक स्लाइस काट कर इसे खाकर देख लेंगे कहीं ये कड़वा तो नहीं है। सबसे पहले हम खीरे को काटेंगे, इसे बहुत महीन महीन काट लेंगे हम। खीरे में पानी बहुत होता है, इसलिए इसका गर्मियों में बहुत सेवन किया जाता है। सैलड बनाने के लिए खीरे को एक बाउल में प्लेस करेंगे, इसी में ये बॉयल चना ये भी डाल देते हैं, एक टमाटर को डाल देते हैं कट करके, और ये पुदीने के पत्ते हैं, इन्हें हम हाथ से तोड़ के डालेंगे, इनमें चाकू नहीं लगाएंगे नहीं तो इनका फ्लेवर कम हो जाता है। हरी मिर्च को बीच से स्लिट कर देंगे और इसे महीन महीन काट कर डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये कोकोनट है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। ये रोस्टेड पीनट है, इनको आप ऐसे भी डाल सकते हैं और क्रश करके भी डाल सकते हैं। काला नमक, कुटी हुई काली मिर्च, जीरा, ये सब आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और लास्ट में एक चम्मच नींबू का रस। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक तरह से ये वेट लॉस सूप, वेट लॉस भी है। गर्मियों में इसे रोज़ बनाकर खाएं, वेट भी कम होगा और ठंडक भी मिलेगी बॉडी में, और टेस्ट में इतना अच्छा है कि एक ही व्यक्ति इसे पूरा खा सकता है। कुकुम्बर सैलड तैयार है, बिल्कुल भी मिस ना करें, एक बार ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी बना है, सभी को बहुत पसंद आएगा। इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ 5 मिनट में ही बन गया। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।